न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दबंगों ने मामूली कहासुनी होने पर युवक को गोली मार दी। निमंत्रण से लौट रहे युवक पर गांव के ही दबंगों ने हमला कर दिया। पेट में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत देखते हुए गंभीर कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में पुलिस जुटी है। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम जरगांव का ये पूरा मामला। पानी की पाइपलाइन डालने को लेकर खोदी जा रही सड़कें सड़क खोदकर यथास्थिति में ठेकेदार छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त न करने को लेकर मौके पर काम रुकवा दिया। ग्रामीणों को आने जाने में तमाम दिक्कतों का सामना हो रहा था। ग्रामीणों द्वारा रुकवाए गए काम को लेकर प्रधानमंत्री को फोन कर धमकाने का इंजीनियर पर आरोप लगा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की पाइपलाइन डालने का काम करा जा रहा था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की है। अमरिया तहसील इलाके के त्रिकुनिया नसीर गाँव का एक पूरा मामला। तो यहाँ पहले 8 महीने ये टंकी वाले आए थे, तो ये एक नवदिया में खड़ंजा लगा हुआ था 250 मीटर, वो खेड़ के इन्होंने फेंक दिया। तो गांव वालों ने विरोध करा, भाई ये हमारा रोड खेड़ दिया। तो इन्होंने सर टंकी वाले आए लोग, तो बोले हम बना देंगे। तो वो रोड बीच में से खेड़ के फेंक दिया। बाकी वो बीच में जब पानी पड़ा तो वो पूरा रोड खड़ंजा पूरा बैठ गया 250 मीटर। फिर उसके बाद में इनको 2-4 दफ़ा कहा, इन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। मिट्टी डाल के वो साइकिलों चलने लायक करा। फिर उसके बाद में अब बगैर पूछे आके जे और गांव में त्रिकुनिया में खेड़ने लग गए। संदिग्ध परिस्थितियों में 20 साल की युवती लापता। यमुना नदी पुल पर मिली चप्पल और साइकिल। युवती की यमुना नदी में छलांग लगाने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक साइकिल से खेत पर निकली थी युवती। घर नहीं लौटने पर काफी खोजबीन की। युवती के यमुना नदी में छलांग लगाने की आशंका को लेकर पीएसी और एनडीआरएफ की टीम ने यमुना नदी में सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी बलाई घाट का एक पूरा मामला है। आगरा में चंबल नदी से जलीय जीवों की तस्करी की आशंका के मामलों में 4 पर केस दर्ज हुआ। चंबल नदी से अज्ञात लोगों द्वारा कांटे द्वारा कछुआ पकड़ने का 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। अज्ञात द्वारा कांटे से कछुआ पकड़ने का राहगीर ने वीडियो बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग के उच्च अधिकारी ने मामले पर शिकायत के आधार पर कार्रवाई दर्ज की। वायरल वीडियो में युवक की पहचान कर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। अनाज व्यापारी से फर्जी लाखों की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 24 घंटे के अंदर बिजनौर पुलिस ने खुलासा किया। बाइक पर सवार अपने दोस्तों से गोली मरवाई थी। 15 लाख के कर्ज के कारण फर्जी लूट की घटना बनाई। बिजनौर के थाना सियोरा क्षेत्र की पूरी घटना। थाना सियोरा पर UP 112 के माध्यम से शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति को सहसपुर सियोरा मार्ग पर गोली लगी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल को उपचार हेतु CSC सिवाड़ा भेजा गया, जहाँ से बेहतर उपचार के लिए उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर भेजा गया है। डॉक्टर से वार्ता करने पर उसके बाएं बाजू पर गोली लगी है, अब ब्लैकिंग दिखाई दे रहा। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में जनरल स्टोर की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना देहात क्षेत्र के बब्बूगढ़ चौराहे का एक पूरा मामला। अलीगढ़ में खेत में पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान पशुओं द्वारा पाइपलाइन में मिट्टी गिरने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। मामूली विवाद में झगड़े में हुए घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मारपीट में घायल 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के भबोरी गाँव का बताया जा रहा है। थाना छर्रा क्षेत्र अंतर्गत खेत में पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों ही पक्षों को चोटें आई हैं। चोटिलों का प्राथमिक उपचार CSC छर्राम पुलिस द्वारा करवाया गया है। अभी दोनों ही पक्षों में से किसी की भी तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पिकेट लगा दी गई है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। विद्युत कनेक्शन न मिलने से सहारनपुर जनपद के ग्राम शेखपुरा कदीम के ग्रामीण ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शेखपुरा कदीम बिजली घर पर तैनात जेई ने 20,000 रुपए सुविधा शुल्क लेने के बाद भी उसे घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं दिया। पीड़ित की बात सुनकर अपर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से ग्रामीण को कनेक्शन देने के साथ जेई के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। सहारनपुर के जिलाधिकारी को दिए पत्र में प्रार्थी राधेश्याम ने कहा कि नए विद्युत कनेक्शन के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, लेकिन संबंधित जेई शेखपुरा फीडर ने 20,000 रुपए सुविधा शुल्क लिया बगैर कनेक्शन न देने की बात की। प्रार्थी का आरोप है कि जेई को 20,000 रुपए भी दे दिए, उसके बावजूद भी जेई प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन नहीं दे रहा है। बिजनौर में एक व्यक्ति ने अपने भांजे पर कुड़हाली से हमला कर दिया। हत्या से पूरे गांव में सनसनी है। उधर बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है।
केसरगंज में हर साल की तरह इस साल भी हजरत रमजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में जरियन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फूल चादर सनी पेश किया और बड़ी अकीद से मुराद मांगी। वहीं कमेटी के सदर डॉक्टर अहमद जिया ने बताया कि यह उर्स लगभग 35 सालों से बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां हजारों की तादाद में जायरीन अपनी अपनी मन्नतों और मुरादें मांगते हैं। बताया जा रहा है कि यहां एक रोज़ा का नातिया मुशायरा प्रोग्राम होता है, जिसमें दूर दूर से हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग भारी तादाद में पहुँचते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 10 साल में मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, बदलाव का समय आ गया है, बदलाव करो। कोरोना को लेकर मोदी जी ने थाली घंटी बजवाई। कोरोना के लिए लगाई गई वैक्सीन के दौरान सर्टिफिकेट पर मोदी जी का लगा हुआ फोटो वैक्सीन से हार्ट अटैक की सूचना के बाद फोटो हटा लिया। संघ परिवार के स्थान पर मोदी परिवार हो गया। भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर साफ सुथरे हो गए। हज यात्रा को जा रहे जायरीनों का लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जायरीन लखनऊ से फ्लाइट के द्वारा सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर में पहुंचेंगे हज करने। परिजनों ने जायरीनों की खुशी के माहौल के साथ विदा किया। कासगंज जिले के गंजरवाड़ा क्षेत्र के हज के लिए रवाना हुए जायरीन। बहराइच में तमंचा, 315 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। बहराइच पुलिस अधीक्षक श्रीमती विंदा शुक्ला द्वारा अपराध, अपराधियों और जुर्म, मादक पदार्थ की रोकथाम और मादक पदार्थों की बरामदगी की दृष्टिगत यह अभियान चलाया गया। प्रभारी निरीक्षक नानपारा श्री राकेश कुमार सिंह और टीम गठित कर इनके पास से सारा सामान बरामद किया गया है, साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले ये वीडियो वायरल हुआ था अवैध तमंचे के साथ। झांसी में ट्रेनों में यात्रियों से मेलजोल बढ़ाकर उन्हें जहर खुराने का शिकार बनाने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस टीम ने उसके कब्जे से दर्जनों नशीली गोलियां, आधार कार्ड, 4,000 की नकदी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ लगातार हो रही जहर खुराने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के रेलवे पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के तहत जीआरपी झांसी पुलिस ने देर रात वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को जहर खुराने का शिकार बनाने की फिराक में घूम रहे मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर थाना उतीला निवासी बल्ली उर्फ नवल किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में अभिनेत्री की बाल सवारते भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले भी एक अन्य महिला नेत्री गंभीर आरोप लगा चुकी है। पूर्व विधायक 27 ज्वालापुर विधानसभा उत्तराखंड सुरेश राठौर एक सिने अभिनेत्री के बाल सवार रहे हैं। कैमरे में बना हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। टीवी सीरियल अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ ये वीडियो वायरल हुआ है। भाजपा के पूर्व विधायक के कारनामों को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। हरिद्वार में एसटीएफ ने हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। मौके से इनके सरगना को भी गिरफ्तार किया। आरोपी ने ठगी के लिए कुल 11 टीमों को बनाया था, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां देकर देश भर से ठगी की जाती है, उनको गिरफ्तार करना था। ये गिरोह क्रेडिट कार्ड बनाने का लालच देकर ठगी करता था। मूल रूप से शामली के रहने वाले सरगना के खाते में कुल 70 लाख रुपए का लेन देन मिला है। एसटीएफ ने इसके पास से 25,000 रुपए भी बरामद कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। पौड़ी के जूनियर हाई स्कूल पुडेल के 6 छात्रों के फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाने का मामला सामने आया। अनन-फानन में शाम के वक्त बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक अब बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। मेरी जनता के अनुसार जूनियर हाई स्कूल पेडुल के बच्चों ने स्कूल में बनाया मिड डे मील किया था। अब इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाने पर घर पहुंचे 6 बच्चों के उल्टी की शिकायत मिली। बच्चों की तबीयत खराब होने पर सूचना स्कूल के शिक्षकों को दी गई। बच्चों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां अस्पताल में मिली जानकारी के मुताबिक छात्र सक्षम, मनोज, वंश, अभिनव, संचित और आयुष को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी। कोटद्वार भाबर क्षेत्र की 40,000 से ज्यादा आबादी को बाजार से जोड़ने वाले मालन नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। पिछली बरसात में मालन पुल बीच से टूट गया था, जिसके बाद से हालात बेहद खराब हो गए थे। वहीं पुल को इस साल के अंत तक पूरा बनाने का दावा किया जा रहा है, जिससे अगले साल की बरसात से पहले नदी पर पुल बनाकर तैयार हो जाए। पुल का निरीक्षण करने पहुंचे कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु कंडूरी ने कहा कि पुल का काम मजबूती से हो, इसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही पुल को साल के आखिरी तक बना दिया जाएगा। बदायूं लोकसभा चुनाव में हार जीत को लेकर अनोखी शर्त देखी गई है। दो दोस्तों विजय और नरेश के बीच 2,30,000 रुपए की शर्त लगी। बीजेपी के दुर्विजय सिंह चाके की जीत पर नरेश देंगे विजेंद्र को तयशुदा रकम। सपा प्रत्याशी आदित्य यादव की जीत पर विजेंद्र देंगे नरेश को 2,30,000 रुपए। 10 रुपए के स्टैंप पर ही शर्त रखी गई है। क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी सपा भाजपा प्रत्याशी की हार जीत की अनोखी शर्त। गुन्नौर तहसील इलाके के पेटी नासिर काईपुरा मामला। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक के पक्ष में जो है वो होड़ लगाई है कि हमारे जो दुर्विजय सिंह साहब के हैं वो भारी मतों से जीत रहे हैं, और जिसमें होड़ लगाने वाले जो हमारे दूसरे हैं वो हमारे ही गांव के रहने वाले नीरज यादव हैं। तो हम में दोनों में आपस में बैठ के जब बहस हो रही थी उसी को लेकर के हम में
एक दूसरे को लेकर के बहस होते समय हमने दोनों ने होड़ लगाई है, और जो होड़ है जो हमने 2,30,000 रुपये की लगाई है, जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी के समर्थक को लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में आम आदमी पार्टी की सभा, व्यापारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बार काउंसलर मौजूद थे, जहां पर पूर्वी दिल्ली के एमएलए प्रवीण कुमार ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि मार्केट की सारी समस्याएं और जीएसटी को लेकर हर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी हमेशा निचले स्तर पर काम करती है और हमें वादा करते हैं कि व्यापारी भाइयों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। वो से पैसा वसूल के लेके जाते हैं, तो जीएसटी से व्यापारी बहुत परेशान है और जीएसटी को पीएमएलए में डाल दिया गया है। आज व्यापारी को भी इन्होंने इस तरह से कर दिया कि ये बहुत बड़े फ्रॉडी हैं, बहुत बड़े चोर, इस तरह से करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ खड़े हुए हैं, और ये सरकार तानाशाह की सरकार जो जीएसटी को लेकर आई है, जिन्हें जीएसटी को पीएमएलए में डालने का काम किया है, उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अब की बार कुछ नए मुद्दे सर जो आने के बाद व्यापारी के हित के लिए काम करेंगे, व्यापारी के जीएसटी के लिए काम करेंगे। व्यापारी के बहुत सारी समस्याएं हैं, आज कामधंधा चौपट हो चुका है, कामधंधा है नहीं मार्केट में, उसको खत्म करने का काम करेंगे। संबल में प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे के अपहरण का युवती ने प्लान बनाया था, मासूम बच्चे को बेचकर शादी करने थी दोनों की योजना। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका से बरामद किया 8 महीने का मासूम। 2 दिन पहले खिलाने के बहाने घर से मासूम बच्ची का युवती ने अपहरण कर लिया था। नखासा थाना क्षेत्र के हातिम सराय का ही पूरा मामला है। हरिद्वार के बादराबाद सिटकुल हाईवे पर खनन सामग्री से जुड़े ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ हरिद्वार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाते हुए प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान अभी तक करीब 443 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। भविष्य में अगर इस प्रकार के वाहन मार्ग पर संचालित पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।